ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਬੀਕੇਯੂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਏਕੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਦਈਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਲਾਗੇ ਖਲੋਤੇ ਆ ਆ ਗ੍ਰਿਲਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਲੁੱਕ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਬਰਾਜੀਏ ਆਓ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਬੀਕੇਯੂ ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ एक गीत बोलेंगे जी वो पांच मिनट बाद गीत बोलेंगे तो पहले सुरिंदरपाल सिंह जी सुभागू जी सत्कार योग मेरिया भैनों किसान वीरियो मजदूर वीरियो आओ फतेह की सांझ पाइए वाहेगुरु जी खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मैं कल भी बेनती की सी अज मैं फिर करदा कोई नवे हिस्से आए ने कि साढ़े को लगभग 190 लंगर की व्यवस्था छोटे या वे उन्होंने डिस्पोजल का खर्चा औसतन 2000 तो लैके 4000 तक आ रहा है। जे औसतन 2000 ही ला लीए तो 4 लाख डेली बनता है। मेरी हाथ जोड़ के पी लै थोड़े घड़ी जे आप एक गिलास एक कौली चमचा लै आईए इस प्रॉब्लम तो दूर हो सकते हैं तो बीमारी भी साढ़े जोड़े वो लागे नहीं आ सकती आ गंत भी दूर हो सकते हैं जोड़ा साढ़े लागे पोलीथिन का या होरना डिस्पोजल का गंद पैंदा। अगली गल जिहड़ी मैं तुहाडे नाल विचारां दी सांझ करना चाहुंदा वो ये है कि भारत जिहड़े हुक्मरान ने उन्हां दे मगर एक पार्टी है उहदा नाम RSS है। वो भारत दे हुक्मरानां नूं चलाउंदी है ते भारत दे हुक्मरान उस झंडे नूं किवें लागू करदे आ अज मैं तुहाडे नाल ये सांझी करूंगा। जिथे मैं पैली की सांझी की जिथे कल वोटां बारे सांझी की अज RSS का एजेंडा भारत के हाकम साडे ते किवें फिट कर रहे ने। पहली गल भारत का प्रधानमंत्री रात नूं शदाइयां वांग उठ के साडे टैलीविजन बैंदा भैणो भाईओ अज तों बाद नोटबंदी की जाती है 500 का नोट 1000 का नोट बंद किया जाता है। यह संकल्प भारत सरकार का नहीं ये RSS का है। वह किवें है वह नोटबंदी करना साढ़े को 3.5 करोड़ तो लैके 4 करोड़ लोग भारत के वेले हो गए ऑन रोड करते वो कद नहीं करते क्या कॉपोरेट घराने भर्ती करने हैं घट तनखावां ते कोई कारोबार बंद कराते लोगों के छोटिया दुकाना छोटे कारोबार बंद हो गए हालत 4 करोड़ लोगों नूं रातों रात ऑन रोड करता ते 6 महीने असी लैने च लग लग के 200 बंदा साडा शहीद हो गया भारत पद्धर से। यह RSS का झंडा है कि भारत अंदर यह टनका के देखिए भांडा कि साढ़े कहते टनकद तो ना टनका के वेख्या कि नोट बंद करके रात को रखते कि असी चलावे देश असी किसी होर हिस्से नहीं मानते असी मनावे। अगली गल उन्हें की अगली होर करती रात को 8 बजे बैठा कहिंदा भारत अंदर जिन्हें स्टेट गवर्नमेंट की हिस्से ने जा स्टेट गवर्नमेंट जा टैक्स जाता है वह कुल GST राही सेंटर गवर्नमेंट को पहला आएगा तो कुल भारत दी स्टेट गवर्नमेंट मंगते बना के उन्होंने मर्जी भेजा हिस्सा
मर्जी नहीं भेजोंगे। पंजाब दा मुख्यमंत्री, पंजाब दा वित्त मंत्री कह रहे हैं कि 70 करोड़ लोगों का 70,000 करोड़ रुपया साड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट दे नहीं रही, सानू नहीं दे रही। ए दूसरी गल, रस का झंडा लागू किया गया। तीसरा उन्हें की किया, आप काले कानून लागू करते। देखने को लगता है ये किसानों ने धक्का होया, ये बिल्कुल ठीक है, साड़ी जमीन खोनी है, साड़े ने धक्का होया, असी औखे हैं ते साढ़े 3 महीने तो कोल कर रहे हैं। पर एक स्टेज पर जाके सारे भारतीय स्टेटां नूं, जिन्हां भारतीय स्टेटां ने उन्हां नूं जाम करन लई उन्हां दा जिहड़ा पैसा समाया उन्हां मंडी च जिहड़ा हुंदा सी, एक मंडी चों एक क्विंटल कणक विकण वाला 160 रुपये जिहड़ा खरीददार सी वो मंडी च जमा करांदा सी, वह सेंट्रल गवर्नमेंट दे हिस्से जांदा सी 160 रुपये, तो सेंट्रल गवर्नमेंट पंजाब गवर्नमेंट दे हिस्से जांदा सी, स्टेट गवर्नमेंट दे हिस्से जांदा सी, ते स्टेट गवर्नमेंट उन्हूं मंडी कर दे ना दते। मोदी मोया सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। हाय मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। हां मैं चर्चा कर रहा सी कि भारत ने अंदर जिते काले कानून लागू किए ने, और काले कानूनों में है कि मंडी खत्म करनी है। जो मंडी खत्म की थी ते क्विंटल ते 160 रुपये जो खरीददार सी वह स्टेट गवर्नमेंट टैक्स पे करता सी, ते स्टेट गवर्नमेंट मंडी करने नाल उत्ते स्टेटां च विकास करते सी। तो हुण भारत सरकार ने सरमाएदारां दे कोपरेटां नूं ये कहता कि तुसीं सीधी फसल खरीद लो, मंडी बंद करो, जिहड़े 160 रुपये लैणे ने 80 किसान नूं दो, 5-4 महीने साल 2 साल 80 आप रखो, तां स्टेट गवर्नमेंट दे पैसे खत्म होने चाहिए ने। स्टेट गवर्नमेंट सीधे रूप च सेंट्रल गवर्नमेंट वल वेखण, तो उहदे नतहत चलण। जिहड़ा एजेंडा असीं कहीए, RSS कहे, उहदे मुताबक देश चले, स्टेटां दा कोई अधिकार ना रहे। इह दिशा नूं इह कानून, इक ते साडी प्रॉब्लम है मंडी जाणनी साडा नुकसान करना, इक उहनां दी स्टेट गवर्नमेंट दी प्रॉब्लम है। इस करके भराओ गल बड़ी साफ है, इन मैं होर साफ कर देना, जो मंडी डावनी है जी मैं गल कही है, उदे विच साडा विकास वड्डा हिस्सा भारत अंदर मंडीगढ़ बोर्ड दे नाल सड़कां बनिया हुई ने, वो पैसे मंडीगढ़ चों हुंदे ने, खरीददार करदा है, ते जदों इह खत्म कर देने आ ते फिर बड़ी साफ जी गल है, शाहूकार सीधी खेती करे खरीदेगा साढ़े घर चू जाके। किसान ऐ लगेगा कि मैनू 80 रुपये बच गए, मैं इस करके मंडी च कि लैन जाना है, जिहदे करके ही कह रहे कि मंडी खत्म होनी है, मैनू 80 रुपये बच रहे ने। तो जो 2 साल मंडी च कोई ना गया तो मंडी के आड़ती ने वो जो छत वाले बाले ने गिण के अपनी बिल्डिंग दे हार के वो मंडी बंद कर देनी है, तो फिर जो मंडी लॉक हो जानी है तो फिर उस शाहूकार ने जिहड़े 160 रुपये की बजाय 1888 बजाय झोना जिहड़ा खरीदा जाता सी उन्हूं मुड़ के 900 दे लिया के आना है। हरियाणे च यूपी च यही कारण है कि इत्थों का झोना यूपी च
जाए कहिए बिहार च उतों खरीद के पंजाब अंदर सैलर को वेचा जाता है उतों 900 खरीदते हैं गोबंदी वाली उत्थे लॉक हो चुका है वो पहला ही खत्म करता इन्होंने भारत के आगमन ने। इस करके मेरी अपील है ये भराओ ये आर एस के गुजे जंदे ने नोटबंदी करनी GST लाउनी काले कानून बनाने अगली गल होर करती उन्होंने तुसी जिथे असी इत्थे बैठे कह रहे हैं ये आर एस का झंडा कि भारत के लोग जिथे 70 करोड़ लोगों को कोई जमीन नहीं अगे वेले ने जो माड़े मोटे इंडस्ट्री लगे ने उन्होंने 30-40 कानून 35 कानून लेबर जमात के चेंज कर दिते गए ने तो चेंज करके किसान वेले करने अपने खेतों चो उन्होंने वेले करना अपने कारोबार तो सरकारी काम रहन नहीं देने तो कोऑपरेटर ने घरनिया ने लाइन चला के उन्होंने मौलों से साडे बच्चे 2-2 हज़ार से 3-3 हज़ार से भर्ती करने हैं उन्होंने समय से ये आर एस का झंडा है तो फिर आर एस सारे भारत की लेबर जमात को ऐ करूगी कि अज 370 धारा खत्म पंजाबी बोली उतों खत्म आज जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं ये लम्मे धातू है जो कल मैं शब्द बोलिया सी मैं शब्द बोलिया सी कि मोदी नूं सियासी हलाल कर रहे हैं सी सियासी हलाल कर रहे हैं कलमे पढ़ दिए हैं सियासी पढ़ दिए हैं ते मोदी असी सारे भारत अंदर सियासी तौर पर बिल्कुल खत्म करके इसे तू जाने ये उन्हें पता ये सानू पता जे साडा कोल हरद है जिस करके साडी लामबंदी बढ़ रही है अहीं जित्तांगे जे साडा कोल हरद है असी सैकड़े साल पिछे जाने हैं जे मोदी हरद है तो मोदी की आर एस की मौत है इस कर तू स्टेज तू दिख रही है इस करके स्पष्ट है साफ औखा जनता दे आगू आर एस एस भी अपनी फुट पै रही है देख रही है सानू सो इस करके प्रभो मैं थोड़े को बेनती करनी है अपील करनी है भाई समा लग सकता है जड़ी यही 100 सट्टा मार दी है सौ ही सकते पत्थर टुटदा पहला जी न्याय का भी असर होंगे ना इस करके जे असी लम्मे दात लड़ाई लड़ रहे हैं ये आकड़ा तो थकना नहीं बना असी सरकार की नीति है कि इन्होंने लोगों को आकाइए तो थकाइए तो इन्होंने आपसी फुट पाइए तो आपसी फुट को जिस तरीके का मोर्चा साड़ा चल रहा है असी आगुओं का धन्यवाद करते हैं इतों बच के तगड़े होकर अगे बढ़ना चाहिए तो ना ही अकना है तो ना ही थकना है इस करके मैं उम्मीद है कि असी 100% लड़ाई जित के जावे क्यों कि सानू हुण दुश्मन की नीतियां का बिल्कुल पता लग चुका है साडे पंजाब च जां भारत के 7,77,000 पिंडां च हुण काफिर बन के अपने आप आउंदा पे मैं पिछले दमी पिंड गया है देखिया पिंडां च अज पई फलाने पिंड चू काफला चल पिया जितांगे किस तरह वो काफला 8-10 दिन रहना इत्थे वो काफले के मगर फिर काफला आना है इस काफले ने फिर जाना है इहदा मतलब की होया इस मोर्चे दे नां ते थले भर्ती शुरू हो गई भर्ती शुरू हो गई सो मैनूं उम्मीद है कि आपां जिस तरीके नाल भर्ती दा मोर्चे दे नां ते खुल गई है थले पंजाब च हरियाणे च यूपी च जां भारत पद्धर ते जिस तरीके नाल अगे वध रहे हैं जां संसार पद्धर दा जिस तरीके नाल साडा घोल बन रहा है ये आस है कि असीं 100% जितांगे सो मैं दोबारा फिर थोड़े सारे का इस गल नूं धन्नवाद करदा कि सिरना घोल लड़न की लोड़ है इन्हां कुछ कहिंदा जा जनता जत लड़दे लोकां दी बोले सो निहाल।